हाय। राजा ने जंगम की व्याख्या करते हुए कहा, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर रूपी मैल को पेक कर साफ पानी कर सकता है तो उसे जंगम कहूँगा, नहीं तो उसे सांसारिक कहूँगा। निकलंक मल्लिकार्जुना चंदया। वाह सुंदर, कितना सटीक उदाहरण दिया है आपने, रेत में पानी की तरह। वाह महादेवी, आज मुझे प्रसादी शरण भोगन्ना का वचन याद आ रहा है। वे कहते हैं, लोह पिंड कहने पर वह धार बनाने से पहले ही भेद सकेगा क्या? फूल का पौधा कहने से, फूल की सुगंध फूटने से पहले ही पत्ते सुगंधित होंगे क्या? इस प्रकार द्वैत अद्वैत का भेद का विवरण चन बसवन्न प्रिय भोग मल्लिकार्जुन लिंग में है। चंदया। वाह वाह, हमारे मन में जब तक द्वैत भाव है तब तक हम न ज्ञानी बन सकते हैं न शरण। जिसे आत्मज्ञान हुआ है वही सच्चा ही है, सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि सारी सृष्टि का उगम स्थल तो लिंग ही है, परमात्मा ही है, और आत्मा परमात्मा का अंश है, अतः एक ही है। वाह क्या खूब कहा है, वक्त से पहले कुछ नहीं होता। यहाँ बोकस चिकन्ना शरण का एक वचन मुझे याद आ रहा है। मनुष्य स्वभाव विचित्र है, जो सत्य स्थिति है उसे वह समझता ही नहीं, शिकायत करने की उसकी आदत हो गई है। चराचर में शिव व्याप्त है, कैसे? तो जैसे तिल में तेल है, पाक पत्थर में अर्थात पृथ्वी में पानी है, उसी तरह सारे चराचर में शिव भरा हुआ है, उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। सुनिए, ठंड है तो गर्मी का प्रतिपादन करेंगे, गर्मी है तो ठंड का प्रतिपादन करेंगे, चारों प्रहर में द्वैत है, असत्य है। देखो इस कारण क्रिया को भूला नहीं, ज्ञान को शून्य समझकर त्यागा नहीं, वह तो शिला की अंतर्गत पावक है, तिलांतर्गत तैल है, उनके संबंध में कुल को पहचानना चाहिए। बसवन्ना प्रिय नागेश्वर लिंग को जानने के लिए। महादेवी वाह, कुछ दिन पहले शरण मादार धुलैया जंगम मिले थे, उनका भी एक वचन चिकन्ना जैसा ही है, वही भाव वही उदाहरण भी उन्होंने भी दिए हैं। वे कहते हैं, तिल में छुपा है तेल, फल में छुपा है रस, सुवर्ण में भरा है वर्ण, मांस पिंड में भरा है दूध, गन्ने के रस में है मिठास, इनका सत्व बाहर आने तक गुण का मालिन्य दूर नहीं होगा। इष्टलिंग के प्रति विश्वास दृढ़ न होने तक शिला गुण का मालिन्य दूर नहीं होगा, दूर न होने तक ज्ञान शून्य नहीं हे काम धूम धूलेश्वर मारया। शरण चंदया, आज आप जैसा जंगम मिला हम धन्य हो गए। चंदया। शरण मारया, धन्य तो मैं हो गया हूँ। ज्ञानी लोगों की संगति से होने वाली तृप्ति आनंद अलग ही है, और सत्य कहता हूँ ऐसा अम्बिल जीवन में कभी भी नहीं पिया था। यह आपके सत्य शुद्ध कायक और अव्वा जी के भक्ति भाव से उसे बनाने से यह इतना स्वादिष्ट बना है। मैंने अनुभव मंडप में आपके अम्बिल की तारीफ सुनी थी। जिन्होंने आपके यहाँ जंगम सेवा पाई है उन सब ने आपके अम्बिल की तारीफ की है। भक्ति भाव प्रेम निष्ठा आदर के बिना ऐसा स्वाद आना नामुमकिन है। जैसे सुना था वैसे ही पाया, ठीक है अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। मारैया महादेवी ने भी तृप्त भाव से अम्बिल लिया और सो गए। शाम को अनुभव मंडप जो जाना था, शरण मारैया की परीक्षा। शरण मारैया की अम्बिल की तारीफ बसवेश्वर जी ने भी सुनी थी। उन्होंने सोचा शरण मारैया और सती महादेवी शुद्ध कायक करके लिंग जंगम दासोह पूर्ण निष्ठा से कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं
लेकिन है तो वे राजा रानी ही, जिनका जन्म राजमहल में हुआ और अब तक राजसी जीवन जिया है। उन्हें एक छोटे से झोपड़े में रहना, कष्ट करना और केवल अम्बिल पीकर गुजारा करना कितना कष्टप्रद होता होगा। क्यों ना हम उनकी कुछ होन देकर मदद करें, और मिले तो शरण मारया के घर के अम्बिल का स्वाद भी चख लेंगे। ऐसे सोचकर एक दिन बसवेश्वर जी मारया के घर गए। महादेवी जंगल से आकर घर काम में व्यस्त थी। बसवेश्वर, कोई है घर में? क्या शरण मारया जी घर में है? महादेवी ने अंदर से ही उत्तर दिया, वे लकड़ी बेचने नगर में गए हैं। बसवेश्वर जी ने ठीक है कहकर अपने हाथ की थैली वहीं कोने में रख कर चले गए। थोड़ी देर बाद मारया आ गए। उन्होंने कोने में थैली देखी, उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ सुवर्ण मुद्राएं यानी होन थे। उन्होंने पत्नी से पूछा, कोई घर आया था क्या? महादेवी, हाँ कोई आया था, आपको पूछ रहा था, हम काम में व्यस्त थे, अतः वहीं से कह दिया कि आप नगर में गए हैं। वे चले गए। क्या है उस थैली में? किसकी है वह थैली? मारैया, शायद बसवेश्वर जी आए थे, उन्हीं की थैली लगती है यह। महादेवी, अब क्या करेंगे इसका? करना क्या है, यह ले जाकर बसवेश्वर जी को वापस करेंगे। जब हमने अपना पूरा राजपाट ही त्याग दिया है तो अब इनका हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। महादेवी, सत्य है, अब ये हमारे लिए व्यर्थ है। जब से कल्याण में आए हैं तब से सुकून की नींद सो रहे हैं, मन शांति तृप्त आनंदित है, न कोई चिंता, न लोभ मोह, न क्रोध, न ईर्ष्या। कल हम महामने जाकर बसवेश्वर जी को मिलकर यह देकर आएंगे। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी महामने गए और उन्होंने बसवेश्वर जी को सधन्यवाद वह थैली लौटाई। साथ में मारैया ने दूसरे दिन के लिए 11 जंगमों का आमंत्रण दे दिया। फिर वहां से वे दोनों जंगल चले गए। कुछ दिन पहले जंगल में सूखे पेड़ ढूंढते हुए मारैया को एक सूखा हुआ चंदन का पेड़ दिखा था। आज वे सीधे उस पेड़ के पास गए और उन्होंने उसके 11 छोटे छोटे टुकड़े काटकर उनका एक गट्ठर बांधा। उसे लेकर महादेवी को घर जाने के लिए कहा। धन्यवाद।